अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हमारे यहाँ इसको हरी मिर्च कीमा कहा जाता है। इसके बगैर हमारी सहरी इनकम्प्लीट होती है। हमारे यहाँ ये लाजमी सहरी में बनता है और इसको हम सर्व करते हैं गरम गरम पराठों के साथ। तो आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही कम मसाले हैं, आसान सी रेसिपी है। चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 बड़े चम्मच खाने के ऑयल ले लिया है, जो ये चम्मच जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये वाले, और इसमें हमने 1/2 किलो के बराबर प्याज शामिल की है। हमारा कीमा 1 किलो है तो हम 1/2 किलो प्याज लेंगे, ये इसका हिसाब होता है। ठीक है, हमने प्याज को ना ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको ट्रांसपेरेंट करना होता है। अब ट्रांसपेरेंट प्याज हो गई, हमने इसमें कीमा शामिल कर दिया। हम कीमे को प्याज के साथ भून लेंगे जबकि कीमे का पानी जो अपना होता है ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, जब तक हम इसकी भुनाई कर लेते हैं इसमें। इसके बाद जो हमारे घर में हरी मिर्च आपने देखा होगा रखे रखे रेड हो जाती है, क्योंकि कीमे का अपना कोई कलर नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें कम मसाले होते हैं। तो हम जो है ना कलरफुल सी हरी मिर्च इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि कीमे में थोड़ा सा कलर आ जाए। तो हमारे घर में रेड हो जाती हैं जो हरी मिर्चें रखे रखे ऑरेंज कलर हो जाता है, वो मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। ये 10-12 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो कीमे में शामिल कर दिया है। नमक हसबे जायका हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हम नमक और हरी मिर्चों को मिक्स करते हैं कीमे में। इसके बाद ना हम इसमें 2 कप के बराबर पानी शामिल करके, इतना पानी शामिल करेंगे कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारा कीमा इसमें गल जाएगा। मैंने इधर 2 कप पानी शामिल किया है, इसमें मुझे लग रहा है कि ये अच्छे से गल जाएगा। ठीक है, अब हम पानी शामिल करके इसको ढक के रख देते हैं 10 से 15 मिनट, जब तक इसका ये अच्छे से गल जाएगा। अब 15 मिनट हो चुके हैं, मैं कीमा चेक करती हूँ। बिल्कुल पानी मुझे लग रहा है इसमें खुश्क हो चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था। और ना इसमें फिर हमने शामिल की है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इसमें ज़्यादा जाएगी, 1 मुट्ठी के बराबर मैंने इसमें कसूरी मेथी शामिल की है। मसल मसल के हाथों से इसको शामिल करना है। मैंने आपसे कहा था ना इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं, बस ये कसूरी मेथी, और इसमें जाएगा 1/2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप ये नहीं सोचेंगे मसाले कम है तो ये कैसा कीमा होगा, ये बहुत टेस्टी कीमा बनता है। आप इसकी रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा ये कीमा रेडी है। इसको हम ना गार्निश करते हैं बारीक बारीक अदरक के साथ, क्योंकि हमने इसमें अदरक लहसुन भी शामिल नहीं किया है। इसको हम ऊपर से गार्निश करते हैं बारीक बारीक अदरक काट के ऊपर इसमें शामिल कर देते हैं, इसको हल्की आँच पे दम पे, और पानी इसका मज़ीद खुश्क हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, बस जब तक हमें इसे पकाना होता है। इस तरह से ये हमारा जो कीमा है बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, और इसको ना हम सर्व करते हैं गरम गरम पराठों के साथ सहरी में, तो इसका खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में ये ज़रूर बनती है, इसके बगैर हमारी सहरी इनकम्प्लीट होती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी बहुत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।